हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चा सब लोग? आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉप 30 क्वेश्चंस का मैथ्स का पार्ट नंबर 2 है, जहां पर अपन, अगर किसी ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, गो टू द आई बटन एंड सी डेफिनेटली द पार्ट नंबर 1, क्योंकि वहां भी वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने आज की क्लास में भी लेने वाले हैं। पूरा टेल एग्जाम के अंदर अगर आपको 40 out of 40 स्कोर करना है तो डेफिनेटली इन क्लासेस को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। 12th बोर्ड एग्जामिनेशन जितना इंपॉर्टेंट आपका ये फर्स्ट टर्म है, उतना ही आपका सेकंड टर्म होगा। बिल्कुल आपको बूस्टअप कर देंगे फर्स्ट और सेकंड टर्म के, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओ। फुल्ली एक्सपीरियंस के साथ अपन आज की क्लास को देखेंगे कि लास्ट के 10 इयर्स के क्वेश्चन को पूरा एनालिसिस किया गया, उनके पैटर्न के क्वेश्चन सीबीएसई का ये एनालिसिस के किस पैटर्न के क्वेश्चन वो रेगुलरली दे रहे हैं, उस पैटर्न को मैंने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग सेट करके दिया है, तो वो चीजें अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चा अगर आज का क्लास में नया है तो बच्चा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको 40 out of 40 स्कोर करने में बहुत ईजी रहे। फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस, माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, 14+ ईयर्स एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ सेम, जो सीबीएसई का मेन थीम है वो अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये फुल सिलेबस के टॉप 30 क्वेश्चन है, पूरा बोर्ड लेवल पे चलेगा, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से हर चीज को कर पाओगे। टिल एंड तक वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपको सारे क्वेश्चन की प्रिपरेशन हो जाए। जो पहली बार कर रहा है प्रिपरेशन, वो ये चेक करे कि उसको कितने क्वेश्चन आते हैं, तो पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन विद मी इन अ प्रॉपर वे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास सामने जो अपने पास स्क्रीन के ऊपर है वो है लाइक दिस। इसको करने के क्या प्रोसेस है, इसको कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन आपका सिंपल सोबर किसके बेसिस पर चल रहा है, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आई थिंक सो सबको आता होगा। 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री सबकी बहुत अच्छी बूस्टअप है, नहीं है तो भी कोई इशू की बात नहीं है। 10th क्लास के अंदर सब लोगों ने बहुत अच्छे से ये देखा हुआ है कि यार रूट टू की वैल्यू sec जो cos का उल्टा होता है, तो sec cos की वैल्यू 1/√2 कहाँ होती है, 45 डिग्री पर। तो सिंपल सोबर sec इनवर्स रूट टू की प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब सिंपल कितना आ जाएगा, π/4। यस, कॉसेक की वैल्यू रूट, कॉसेक की वैल्यू सिर्फ 2, यानी साइन की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है, 30 डिग्री पर, यानी आप आराम से कर सकते हो पाई बाय कितना, 6। अब आप इसको एड ऑन कर दोगे, आपका आ जाएगा 6 2 12, आपका सिंपल एलसीएम 4 3 12 एंड 6 2 12 आपके पास है, तो 5 π/12 आपका बिल्कुल ईजी मच आंसर है। सिर्फ इतना सा एनालिसिस करना है, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके आंसर प्लेस करने डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। चलो, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू, बिल्कुल ITF का बिल्कुल इजी मच क्वेश्चन जो अपन ने सबसे पहले शुरुआत किया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास है वो क्या कह रहा है, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। लेट्स सी द सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स cos 1 माइनस का sin x। अब ऊपर अगर cos है tan का है, तो अंदर आपको हमेशा स्टैक करना है कि जो ब्रैकेट है इसके अंदर आपकी tan की टर्म बननी चाहिए। अगर tan की टर्म बन जाएंगी तो आप आराम से tan इनवर्स से tan में खत्म कर सकते हो। तो कॉस को पहले कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन में कन्वर्ट करने वाला आपका सिंपल सोबर फॉर्मूला है, उसको आप यूज कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। लेट्स सी किस तरीके से उसको देखना है और काम करना है। तो कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करें, साइन 90 माइनस का थीटा, आंसर भी देखो π/4 की और x/2 की फॉर्मेट में। तो आपने सबसे पहली बात, यहाँ पर आपके पास है कितना टैन इनवर्स, कॉस को लिख दिया बच्चा साइन π/2 माइनस का x। क्यों? क्योंकि आपके फॉर्मूले जो कैलकुलस के सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं, या ITF के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से हैं बेटा, 1 माइनस का साइन थीटा, 1 माइनस का कितना कॉस थीटा, 1 प्लस का कितना कॉस थीटा और साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा का फॉर्मूला 2 sin θ/2 cos θ/2 व 2 cos²θ/2 और 2 sin²θ/2। यस, ये सारे ये बहुत बेसिक फॉर्मूले, इनको हमेशा याद रखना, इनके बिना सारे क्वेश्चन अधूरे हैं, ठीक है। तो आपने कॉस को कन्वर्ट कर लिया साइन में, ताकि आप उसको ब्रेक कर सको। सिमिलरली 1 माइनस का यहाँ पर आपके पास कॉस है, इसको कर दोगे π/2 माइनस का कितना एक्स। तो ये आपके पास है टैन इनवर्स, इसको लिखोगे 2 sin θ/2 π/2 माइनस का एक्स बाय 2 कॉस π/2 माइनस का कितना एक्स बाय 2। सिमिलरली 1 माइनस कॉस थीटा भी बताया 2 sin²π/2 माइनस का एक्स अपॉन में कितना 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 sin²θ/2, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 2 से बच्चा 2 कट कर देंगे, 1 sin से 1 sin का डेटा खत्म। यहाँ से आपका आ जाएगा tan इनवर्स cos अपॉन sin कितना cot, और ये कितना π/4 माइनस का कितना x/2 आपके पास आ जाएगा। अब ये सिंपल वापस से cot आ गया, पर tan तो नहीं आया, तो क्या करें बच्चा इसके लिए, सेम वापस से cot को कन्वर्ट कर दो tan इनवर्स में। आप जानते हो tan 90 माइनस का कितना थीटा, माइनस करोगे तो ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो tan से tan इनवर्स खत्म, ये आपके पास है। तो आप कर दोगे π/2 माइनस का कितना π/4 प्लस का कितना x/2, 90 में से 45 गया तो कितना 45 प्लस का कितना x/2। तो π/4 प्लस x/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन,
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये वाली बात आ गई अच्छे से? डन, तो लॉक कर देते हैं और आगे का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो लेट सी द अनदर वन। लेट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिफाइंड एज बी इज लेस देन बी स्क्वायर ए स्क्वायर देन इक्वलेंस क्लास। इक्वलेंस क्लास आई थिंक तो सबको आता होगा। इक्वलेंस क्लास क्या होता है बेटा? ऐसी कंडीशन जो पूरे एक्सप्रेशन में सेटिस्फाइड होती है उस वैल्यू के लिए। जैसे इक्वलेंस क्लास कंटेनिंग आपके पास कितना है? टू है। तो टू के रेस्पेक्ट में कौन सी ऐसी चीज होगी? यानी ए और बी अगर आपके पास बिलोंग करता है, ध्यान समझना, ए कॉमा बी अगर आपको बिलोंग करता है सारे नेचुरल नंबर्स के लिए या सारे रियल नंबर्स के लिए रिलेशन आर के अंदर, तो आप नेचुरल नंबर बोला गया है तो आपने एन के बराबर कर लिया और बोला है एंड बी आपके पास किससे कम है? ए स्क्वायर से। अगर आप ए की वैल्यू वन लिख दोगे तो बी भी कितना आ जाएगा आपका? वन। तो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग, सॉरी ये टू नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? वन होगा। क्या होगा बच्चा यहाँ पर? वन होगा। तो वन कर लेना, करेक्ट कर लेना क्वेश्चन को, ये आपके पास क्या है? वन है। तो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग वन, ए की वैल्यू वन रखी तो आपका इसका कितना आ जाएगा? हाँ वन ही आ जाएगा। तो बी का वैल्यू कितनी हो गई, मतलब ऑप्शन कितना हो गया आपका? वन हो गया। इज इट क्लियर? दैट इज क्लियर। हाँ कंटेनिंग वन, क्योंकि अगर वहां पर अगर टू होता तो आप ए की वैल्यू क्या लिखते? टू लिखते, तो बी क्या आता? फोर आता। आपका कोई भी चीज नंबर नहीं होती उसमें, फिर आपके आगे के नंबर्स ऑप्शन से मैच नहीं करते। ठीक है, चलो लेट्स सी द अनदर वन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो आपके पास है क्या कह रहा है? ए आपका ए आई जी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर टू है। ये आपको एक की पॉइंट की तरह याद रख लेना है और समझ भी लेना है इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन आए कैसे करे जाते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास कितना है? टू है, और वैल्यू आपको ए वन वन ए टू वन ए वन टू और ए टू टू पूछा गया है। आपको ये वाली बात समझा देता हूँ। ए वन वन ए वन टू ए टू वन और ए टू टू है ना, ये अगर आपके पास है तो ए वन वन मल्टीप्लाई बाय कितना है? ए टू वन है, सॉरी ये है, और ए वन टू मल्टीप्लाई बाय कितना है? ए टू टू है। उनको एड ऑन करना है। तो बच्चा ये एक स्टेटमेंट की तरफ पता होना चाहिए, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, लिख देता हूँ स्टार पॉइंट नोट डाल करके लिख लेना, एग्जाम में डायरेक्टली टिक कर पाओगे इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन होंगे, है ना, कभी भी मिल जाए सर को याद कर लेना। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो, या तो रो हो या फिर कॉलम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, रो और कॉलम विद कोफैक्टर्स। विद क्या? कोफैक्टर्स, जिसके साथ क्या होंगे? कोफैक्टर्स होंगे ऑफ अदर रो और कॉलम, अदर रो और कॉलम, ध्यान से समझना बच्चों, इज क्या होता है? ऑलवेज जीरो। तो इसको याद रखो, इस पॉइंट को नोट डाउन करके कॉपी के अंदर लिख ही लेना कि हाँ ये जीरो होता है, तो आंसर आपका डायरेक्टली टिक कर पाओगे एग्जाम में जो आपके पास है। सम और द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रोज और कॉलम्स विद कोफैक्टर्स, ये एक आपके पास डेफिनेटली एक कोफैक्टर होगा, तो वो चीज क्या होती है? ऑलवेज जीरो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है उसको देखेंगे ध्यान से और करेंगे। इफ एक्स इक्वल्स टू ए sec थीटा वाई इक्वल टू बी tan थीटा डीवाई बाई डी एक्स, तो बच्चा पहले यहाँ डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ऑब्वियसली बात है आप पहले क्या करोगे? डीवाई बाई डी थीटा, और फिर क्या करोगे? डी एक्स बाय कितना? डी थीटा। डीवाई बाई डी थीटा करो इसका, तो बी डी बाई एक्स और tan कितना? sec स्क्वायर थीटा, और सिमिलरली डी एक्स बाई डी थीटा ए sec थीटा का कितना? sec थीटा, और यहाँ कितना? tan थीटा। बेटा एक sec से एक sec कैंसिल, यहाँ पर आ गया b बाय ए, थीटा की जगह बोला है पाई बाय सिक्स प्लेस कर दो, तो डायरेक्टली यहीं प्लेस कर दो, sec पाई बाय सिक्स अपॉन tan पाई बाय सिक्स, 36 थ्री जै 18, यानी sec 30 की वैल्यू cos 30 कितना? cos 30 कितना? रूट थ्री बाय टू, तो sec 30 टू बाय रूट थ्री, tan 30 tan 30 की वैल्यू sin 30 बाय cos 30, तो 1 बाय कितना? रूट थ्री। ठीक है बच्चों, तो रूट थ्री से रूट थ्री कट कर देना, 2b अपॉन a आपका बिल्कुल सिंपल सोबर आंसर आ जाएगा, लाइक दिस b 2b अपॉन a, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ द क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखो। अगर स्लोप ऑफ द नॉर्मल, कर रहे हो साथ साथ, साथ साथ करो, पॉज कर दो वीडियो को, डेफिनेटली खुद ट्राई करो, आना चाहिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू दिस वन x ग्रेटर देन कितना? जीरो एट x इक्वल टू टू, तो बच्चा पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की स्लोप क्या होती है पहले ये पता होना चाहिए, माइनस का वन अपॉन में कितना? dy बाय डी एक्स, तो पहले इसका dy बाय डी एक्स निकाल लो, x का कितना? वन, माइनस का वन अपॉन में कितना? एक्स स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यू कितनी प्लेस करनी है बच्चा? टू,
तो dy बाई dx में x की जगह प्लेस कर दो कितना 2, 1 माइनस का 1 बाय 2 का 4, 4 माइनस का 1 कितना 3 बाय 4, इसका उल्टा करके माइनस का 4 बाय 3 आपका आंसर मिल जाएगा क्योंकि आपको माइनस का नॉर्मल का स्लोप चाहिए। इज इट क्लियर? डन। चलो क्वेश्चन नंबर 7 कैसे हैं? लग रहा है ना स्पीडली आप लोग आराम से खुद कर सकते हो, अप टू द मार्क प्रैक्टिस होनी चाहिए बस। अ रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन एक्स एंड वाई यूनिट इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, AOD का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिक्स रेडियस है, क्या बोला गया है? अ रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन एक्स कॉमा वाई, एक रेक्टेंगल है इसका डायमेंशन एक्स कॉमा वाई है, इंस्क्राइब इन अ सर्कल, वो एक सर्कल के अंदर है, बिल्कुल गोला, ये आपका क्या है रेक्टेंगल है, दैट मच इज द रेक्टेंगल। अब इसके डायमेंशन क्वेश्चन के अंदर बोले गए हैं कि डायमेंशन क्या है बच्चा, ये डायमेंशन आपका यहाँ से यहाँ तक का x है और ये आपके पास क्या है y है, x और y आपके डायमेंशन है, इंस्क्राइब इन अ गिवन सर्कल जिसका रेडियस आपके पास क्या है फिक्स्ड है, मतलब सर्कल है और उसका रेडियस भी आपके पास क्या है फिक्स्ड है, यानी अगर मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आपका r है तो ये पूरा टोटल आपके पास सेंटर से दूरी कितना हो जाएगा, ये आपका 2r हो जाएगा क्योंकि r और r मिलकर के कितना 2r। आराम से आप इसके अंदर पाइथागोरस लगा सकते हो और काम कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मैंने एओडी के अंदर आपको बताया है कि पहले आपको तीन चीज़ों पर ध्यान देना है। पहली चीज गिवन क्वांटिटी कौन सी है, दूसरी चीज निकालना क्या है टू प्रूव या टू फाइंड क्या करना है, तीसरी चीज मैक्सिमम किसको करना है। किसी ने अगर ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो गो टू द आई बटन एंड सी द ट्रिक्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना, वहां पर जाकर के इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन एक्स कॉमा वाई यूनिट है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है, फिक्स रेडियस है, मैक्सिमम एरिया बताना है क्या होगा। तो बच्चा सबसे पहले एरिया को मैक्सिमम करना है, तो एरिया कितना होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एक्स इनटू कितना वाई, सबसे पहले एक क्वांटिटी में कन्वर्ट करो, पाइथागोरस लगाते हैं, 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का कितना वाई स्क्वायर, तो आपको वाई चाहिए, वाई इक्वल टू अंडर रूट में कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस का कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ डाल दो एक्स अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस का कितना हो गया एक्स स्क्वायर, दैट इज द एरिया। अब आपको इसको मैक्सिमम करना है तो ऑब्वियसली बात है इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, dA बाय कितना dx, पहले को छोड़ा 1 बाय 2 अंडर रूट में कितना 4r स्क्वायर माइनस का कितना एक्स स्क्वायर, बेटा एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना 2s, क्योंकि 4r तो कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा। सिमिलरली प्लस का अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस का ही एक्स स्क्वायर है, एक्स का करूँगा तो 1, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस का कितना एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस का कितना एक्स स्क्वायर, इज इट, एलसीएम ले लिया, रूट से रूट कट गया है और आपको मिल गया 4r स्क्वायर माइनस का कितना 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस का कितना एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या बोला है, फर्स्ट क्या करते हैं अपन इसको जीरो के बराबर कर देते हैं, तो 4r स्क्वायर इक्वल टू कितना 2x स्क्वायर, आपको तो x की वैल्यू चाहिए तो 2 से ये पहले 2 टाइम्स कट कर देना रूट 2 और ये सिंपल r। अब आपको यहीं पता लग गया x की वैल्यू कितनी आएगी रूट 2 और ये कितना r आपके पास आएगा। आपको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, x इक्वल टू अंडर रूट 2 और r आपको मिल चुका है, अगर x की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो y आ जाएगा आपके पास, तो y इक्वल टू अंडर रूट, डबल डेरिवेटिव करने की कोई नीड नहीं है, फोकट टाइम वेस्ट करने की कोई नीड नहीं है, डेफिनेटली वो मैक्सिमम होगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है, ठीक है। हाँ तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी 2r स्क्वायर आ जाएगी, तो यहाँ से भी आपने क्या निकाला 2r स्क्वायर ही बचेगा आपके पास, तो अगेन रूट 2 और ये कितना हो गया x और y, ये किसके बराबर है x के, यानी x और y दोनों बराबर आएंगे, यानी d आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा। बोलो समझ में आया, डबल डेरीवेटिव करना है और सेटिस्फेक्शन लेना है, टाइम बच जाए तो कर देना डबल डेरीवेटिव, चेक कर लेना मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका डबल डेरीवेटिव करेंगे डी स्क्वायर ये होगा डी एक्स स्क्वायर का, उसके अंदर एक्स की वैल्यू रूट टू आर डालेंगे, अगर वो ग्रेटर देन जीरो आती है तो मिनिमा और लेस देन जीरो आती है तो आप सिंपल कह दोगे क्या मैक्सिमम, ठीक है। चलो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने बिल्कुल ईजी मच है। फिजिबल रीजन एलपीपी का क्वेश्चन इज शोन इन द एफ, दे रखा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। सबसे पहली बात बेटा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, कोऑर्डिनेट कौन से, एक आपका 0.0 आ रहा है, एक आपका के पास कितना है 0.4 आ रहा है और एक आपके पास 12.6 है, और आपका रीजन इस तरीके से पैरेलल लाइंस आ रही है, आ रही नहीं आ रही, तो सबसे पहले जेड के अंदर आप 0.0 डालोगे, तो जेड में आपने 0.0 डाला 0 हो गया, जेड में आपने 12, कितना डाला 6 डाला, तो बच्चा 12 3 जा कितना 36, 4 6 जा कितना 24, तो आपके पास ये सिंपल 12 है ना। जेड के अंदर आपने 0, क्या डाला 4 डाला,
जीरो डालोगे और फोर डालोगे तो माइनस का कितना 16, ये लेस देन जीरो आ रहा है, ये तो आपका जीरो से बड़ा आ रहा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, यानी 12 इज द मैक्सिमम वैल्यू। 12 क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, तो मैक्सिमम वैल्यू एफ एस 12, डन। नाउ द नेक्स्ट, बिल्कुल थ्योरी क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग का, पर कंसेप्ट के वाइज, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इन एलपीपी लीनियर इनइक्वालिटी और रेस्ट्रिक्शंस, लीनियर इनइक्वालिटी ऑन द वेरिएबल और रेस्ट्रिक्शन ऑन द वेरिएबल आर कॉल्ड, क्या कहते हैं बेटा, यानी मैथ्स में भी थ्योरी आती है तो ध्यान रखना, लीनियर इनइक्वालिटी और रेस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल आर कॉल्ड, आई थिंक सो सब लोगों ने क्वेश्चंस तो कर लिए होंगे, थ्योरी पर इतना स्ट्रेस नहीं दिया होगा, तो आज की क्लास से इतना बेनिफिट तो आपको होगा ही सही, तो जल्दी से अगर बेनिफिट हुआ हो तो लाइक कर देना। तो लीनियर कंस्ट्रेंट्स वो कहलाते हैं आपके पास जो यहाँ पर आते हैं, कि किसी भी एलपीपी के अंदर जो भी लीनियर इनइक्वालिटीज आती हैं और रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, से कहने का क्या मतलब है, जैसे आ गया x प्लस का y लेस देन इक्वल टू 2, 2x प्लस का y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये रेस्ट्रिक्शंस ही हैं जो आपके पास है, तो ये क्या शो करते हैं आपको, लीनियर कंस्ट्रेंट, क्योंकि यहाँ से आपके डेटा जो आता है वो क्लोज फॉर्मेट में कंस्ट्रेंट डेटा आता है, फिजिबल रीजन आपका आता है, इसलिए लीनियर कंस्ट्रेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th जो आपके पास है, क्या कह रहा है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड, अगर ए वन कॉमा ए टू बिलोंग्स टू आर है, इम्प्लाइज ए टू कॉमा ए वन, करने की जरूरत थी क्या इसको, सिमेट्रिक की कंडीशन है ए कॉमा बी, अगर बी कॉमा ए के बराबर होता है तो उसको आप क्या कहते हो, सिमेट्रिक कहते हो, तो सिमेट्रिक आ गया, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल इजी मच, क्या कह रहा है, लेवल बढ़ाऊंगा तो यू मत सोचना कि हाँ ठीक है बोर्ड का लेवल है, बिल्कुल प्रॉपर लेवल है, 2,1 आपका मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं ए आई जे ये इज, तो 2,1 मतलब 2 रोज और 1 कॉलम, 2 रोज और 1 कॉलम यानी 2 रोज A11, 2 रोज A21, ठीक है, तो ये आपको चाहिए, A11 कितना 1, 1, 1 माइनस का 1 कितना 0, 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर कितना 1, तो 0,1 यानी B इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलो लेट्स मूव टू द अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 12th क्या कह रहा है, द वैल्यू लेमडा सो डेट द फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज, ये सिखाया था मैंने प्रीवियस वाली क्लास में, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, सीधी वैल्यू प्लेस कर दो, लेमडा पाई इक्वल टू कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू कितनी, माइनस का 1, तो लेमडा की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, पाई ए की बार में, शॉर्ट ट्रिक है, सुपर शॉर्टकट है, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, सीधी वैल्यू प्लेस कर दो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन हो तो। क्वेश्चन नंबर 13th क्या कह रहा है, वाई इक्वल टू लॉग कॉस ई की पावर एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स सिंपल, डी वाई बाई कितना डी एक्स निकालना है, तो बच्चा लॉग का कितना होता है 1/x कॉस ई की पावर एक्स, चेन रूल लगाएंगे, कॉस का करेंगे, कॉस का कितना माइनस का साइन ई की पावर एक्स, फिर ई की पावर एक्स करेंगे तो कितना ई की पावर एक्स, साइन अपॉन कॉस कितना बच्चा टेन, तो इसको लिख दोगे टेन ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स 10x दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दिख रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14th जो आपके पास है क्या कह रहा है, ए है 2a, ये भी प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताई थी प्रॉपर्टी, मॉड के ए अगर आपके पास है तो सीधा k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a कर सकते हो, डिटर्मिनेंट का फंडा, डिटर्मिनेंट के साथ अगर आपका कोई कॉन्स्टेंट आ रहा है तो जितने ऑर्डर का आपका a होगा उतना ऑर्डर आप ऊपर चढ़ा दोगे k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, k की पावर n यानी यहाँ पर तो क्या है मॉड, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ 2a है तो 2 की पावर n मतलब 2, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की आपके पास मैट्रिक्स है, और डिटर्मिनेंट ऑफ a आपके पास आएगा यानी 4, a का डिटर्मिनेंट 3, 2 जा 6, ये इंटू ये माइनस का ये इंटू ये, 6 माइनस का 4, 2, 2, 4 जा कितना 8, 8 इज द राइट आंसर, क्लियर। 14th क्वेश्चन, नाउ द 15th जस्ट हाफ स्लॉट पर पहुंच चुके हैं, मतलब हाफ क्वेश्चंस और बाकी हैं, तो मजा लेते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए। इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 7, एफ एक्स आपके पास क्या है बच्चा 7 माइनस का 4x माइनस का कितना एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इज, बेटा वो इंक्रीजिंग हो मैक्सिमम मिनिमम और डिफ्रेंशिएट तो करना ही है, तो एफ डैश ऑफ एक्स करो माइनस का 4 माइनस का 2x, 7 का तो कितना 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 0। अब आप क्या करते हो बच्चा, इंक्रीजिंग है यानी अगर इंक्रीजिंग का केस है तो एफ डैश एक्स क्या होता है 0 से बड़ा, तो माइनस का 4 माइनस का 2x ग्रेटर देन 0, यहां से आपने 2x प्लस का 4 लेस देन 0 माइनस को उधर भेज दिया, 2 कॉमन x प्लस का 2 लेस देन 0, x की वैल्यू लेस देन कितनी माइनस का 2, माइनस 2 से कम बेटा, माइनस 2 से कम,
तो वेवी कर्व माइनस का कितना, टू माइनस इन्फिनिटी, प्लस का इन्फिनिटी, माइनस टू से कम, ये रीजन, माइनस इन्फाइनाइट से माइनस का टू, तो माइनस इन्फाइनाइट टू माइनस टू इज द राइट आंसर, आंसर इज बी, डन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 इन द प्रॉपर वे. द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, अगेन 15 स्लॉट खत्म, 15 के बाद वापस है इनवर्स आईटीएफ का क्वेश्चन जनरेट हो चुका है, तो ध्यान देना, टेन इनवर्स माइनस का रूट 3/2. बेटा टेन की, सॉरी साइन इनवर्स, टेन नहीं है साइन है, साइन की वैल्यू रूट 3/2 कहाँ होती है, सोचो 60 डिग्री या माइनस है तो माइनस का 60 डिग्री यानी माइनस का पाई बाय 3. कितने लोग ये सोचते हो जल्दी बता दो, तो बिल्कुल सही सोचते हो, तो माइनस का पाई बाय 3 इज द करेक्ट आंसर. इज इट क्लियर? ओवरऑल क्वेश्चन होते हैं ये जो आप बिल्कुल कर सकते हो, रूट 3/2 को सोचो. अब प्रिंसिपल वैल्यू क्यों बोला, क्योंकि आपका ये बिलोंग करना चाहिए बेटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, तभी आपका आंसर आएगा इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग है ना, इसलिए चैंग. चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखो. ए आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 3 है, तो ए का डिटरमिनेंट क्या होगा. यार स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर दी और ए का डिटरमिनेंट पूछ लिया है. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है बेटा, ए आई जे वो माइनस का ए जे आई के बराबर होता है, मतलब एलिमेंट ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, तो डिटरमिनेंट कितना होगा आपका, 0 होगा. a12 a21 के बराबर, बट अपोजिट में a13 a31 के बराबर. कंडीशन करके बताता हूँ, एक कंडीशन तो ये थी, एक कंडीशन a ट्रांसपोज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का a. इसका डिटरमिनेंट लो और इसका डिटरमिनेंट लो, दोनों का डिटरमिनेंट ले लिया. आप जानते हो a ट्रांसपोज कितना होता है डिटरमिनेंट में भी, a के ही बराबर है और ये माइनस a के बराबर. इसको उधर भेज दो, ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू कितना, 0, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 0. दैट्स इज द राइट आंसर. इज इट क्लियर? तो इस वजह से 0 इज द करेक्ट वन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 18 इन द प्रॉपर वे क्या कह रहा है. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू ई की पावर एक्स. ऑब्वियसली बात है ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, वी और यू मान लिया, मतलब डेरिवेटिव ऑफ डी यू बाय डी वी आपको निकालना है. याद आ गया सबको बिल्कुल? तो डी यू बाय डी एस करोगे साइन एक्स का कितना, कॉस एक्स, और डी वी बाई डी एस करोगे तो ए की पावर एस का ए की पावर एस, ए की पावर एक्स ऊपर चल जाएगा, ए की पावर माइनस एक्स और ए कितना, कॉस एक्स. बिल्कुल, ए की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है. क्या ए 1 2 3 ये दे रखा है, ए पूछा है, ऑब्वियसली बात है, देन द ऑर्डर ऑफ ए. अच्छा तो बच्चा इसमें कितनी रोज है, ध्यान देना कितनी रोज है, सिंगल, कितने कॉलम्स है, 1 2 3, तो 1 row 3 column. ये कितना है आपका, 3 row 3 column. ये कितना है आपका, 3 rows 1 column. 1 cross 1 आएगा क्या, बिल्कुल 1 cross 1 आएगा, किसका पहला इसका आखिरी, यानी 19 का 1 cross 1 इज द राइट आंसर. किसी को नहीं याद है तो याद कर लो, ट्रिक है ये, सीधा 1 और 1 कितनी भी मैट्रिसेस हो सीधा आंसर यही आएगा. चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो तो भी आपका आंसर आएगा, 1 2 3 को इन सबसे मल्टीप्लाई कर लो, और ये एक तरीके की आइडेंटिटी ही तो है आपके पास, है ना, और ये 1 2 3 नहीं भी होती तो भी आंसर यही आता. ओके, मल्टीप्लाई करके भी ट्राई कर सकते हो बच्चों. क्वेश्चन नंबर 20 इन द वे, द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन. क्रिटिकल पॉइंट सबको पता है कैसे निकालते हैं, सिंगल डिफरेंशिएट और उसको 0, जो एक्स की वैल्यू आएंगी वही क्रिटिकल पॉइंट्स. तो आपने सबसे पहले क्या किया, एफ डैश ऑफ एक्स किया, 2 sin x का कितना, cos x, कर दिया नहीं कर दिया, तो आपने क्या कर दिया, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया. बहुत देर हो गई, जल्दी से फटाफट लाइक ठोक दो, बता दो क्या मजा आ रहा है कि नहीं. तो आपने किया इसको 2 cos x. अब 2 cos x के अंदर फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप इसको क्या कर दोगे बच्चा, 0. यानी cos x की वैल्यू अगर आपके पास 0 हो गई, यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, पाई बाय 2 पर 0, 3 पाई बाय 2 पर 0, क्योंकि आपको रेंज दे रखी है 0, 2 pi, तो इससे आगे नहीं बढ़ोगे, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर. डन 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 डन. चलो वेरी नाइसली डन. नाउ द 21st क्वेश्चन, बिल्कुल अगेन वही थ्योरी, ध्यान से समझो. द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी, यार ये इनइक्वालिटी क्या शो करता है, सबसे पहले सोचो थोड़ी देर के लिए. 6y < 24, क्या हाफ प्लेन दैट कंटेन द ओरिजिन इंक्लूडिंग, ऑब्वियसली बात है ओरिजिन तो इंक्लूड हो गई क्योंकि लेस देन है, क्योंकि क्या है आपका, लेस देन है. हाफ प्लेन डस नॉट कंटेन, बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता. एंटायर एक्स ओवर है, एंटायर एक्स ओवर है, पूरा पूरा तो नहीं होगा, अंदर अंदर का होगा, तो ये भी नहीं हो सकता. हाफ प्लेन डेट कंटेन ओरिजिन, क्या हाफ प्लेन ओरिजिन के साथ आएगा, या हाफ प्लेन, अभी दोनों सिमिलर हो गए, मोर अप्रोप्रिएट कौन सा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ. हाफ प्लेन डेट कंटेन द ओरिजिन इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द लाइन 4x + 3 6y = 24 इज द करेक्ट आंसर. क्यों,
मोर अप्रोप्रिएट ढूंढना है भले ही दोनों ही सेम, पर मोर अप्रोप्रिएट इज फर्स्ट वन इज द राइट आंसर. ओके 22nd क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे. लेट ए बी आपके पास है, एफ आपके पास है, ए गिव्स बी. डिफाइन एज एफ आपको 17, 26, 35. यानी अगर मैं इसको मैपिंग करूं तो 1, 2, 3 और 5, 7 और 6. 17, 2 का 6, 2 का 6 और 3 का क्या आ रहा है 5. आहा, ये 1-1 तो है, 1-1 तो ये है. क्या ये बाइजेक्टिव हो सकता है? 1-1 ऑन 2, ऑन 2 सिंगल इमेज बन रही है, इसकी सिंगल प्री इमेज इधर बन रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके क्या ऑन 2 के भी, क्योंकि आप जानते हो ईच एलिमेंट ऑफ बी हैज प्री इमेज इन ए. ये ए है और ये बी है, अगर इसके सारे एलिमेंट की प्री इमेज ए में बन रही है तो डेफिनेटली ये आपके पास क्या होगा ऑन 2 होगा, इसलिए आंसर बाइजेक्टिव होगा. जल्दबाजी मत करना, 1-1 प्लेस मत कर देना वरना आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है, बाइजेक्टिव को समझो और करो. क्वेश्चन नंबर 23 ऑन द वे. ए 3, 5, 1, 2 ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ए ट्रांसपोज का इनवर्स करो या ए इनवर्स करके ट्रांसपोज करो. कितने लोग कहते हो कि बिल्कुल सही बात है, एक ही बात है, इसका भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. 1 अपॉन ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ कितना ए का ट्रांसपोज. ठीक है, फॉर्मूला वही, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू 10-1. ठीक है, तो पहले ए का क्या निकाल लो, ए ट्रांसपोज निकाल लो. 3, 1, 5, 4 ये कितना 2. डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे इसका ए के ट्रांसपोज का, 6 माइनस का 5, 1 नॉट इक्वल टू 0, इनवर्स पॉसिबल है. ठीक है, ए का ट्रांसपोज आ गया, यानी ए ट्रांसपोज इज इन्वर्टिबल. ये आपका क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, मतलब इसका इनवर्स आप निकाल सकते हो. ठीक है, डन. नाउ अब आपके पास यहाँ पर खेल है कोफैक्टर्स, शॉर्ट ट्रिक है, अगर किसी को अप्लाई करनी हो तो डायरेक्टली लगा सकते हो. पता लग गया ये 1 है, ये दोनों तो इंटरचेंज, इन दोनों के साइन चेंज, यानी 2, 3, -5 और -1 इज द राइट आंसर ऑफ 10-1. ठीक है, 2x2 का शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल और नॉर्मल लगा सकते हो, आराम से काम हो जाएगा. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों आपको, क्या बी दिख रहा है? बिल्कुल बी दिख रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, लॉक्ड. 24th क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, देखें कितना है. रिचा वेंट टू एन एम्यूजमेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क में गई एंड वॉज थ्रिल्ड टू राइड इन टू द रोलर कॉस्टर. वो इसके ऊपर वो घूमी, जानते हैं सब लोग बहुत मजा करते हैं इसके ऊपर, बहुत मजा भी आता है, नहीं किया तो जरूर करना. While moving toward the roller coaster for a ride, she noticed the track which reminds her the graph of curves. ये curves के graph बता रहा है. Of inverse trigonometric function, like this. If y equal to sin inverse x, तो इसकी value क्या होगी? यार ये बहुत basic question है. Directly भी आपको आता है, इतनी बड़ी रामायण अगर नहीं भी बोलती रिचा और ये वाला question अपने पास होता तो भी अपन शायद कर सकते थे कि इसका answer most probably क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. Let's see, करके भी देख लेते हैं. तो सबसे पहले आपने dy by dx निकाला, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का कितना x2. एक इसको उधर भेज दो बेटा और उसके बाद डिफरेंशिएट करो ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए. पहले वाले को छोड़ा, दूसरे वाले का करेंगे तो d2y/dx2 प्लस dy/dx को छोड़ा, दूसरे वाले का करेंगे तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस का x2 प्रोडक्ट रूल, और 1 माइनस x2 करेंगे तो -2x और 1 का कितना 0. बेटा इस 2 से ये 2 कैंसिल, इसको उधर भेजो, ये आपका 1 माइनस x स्क्वायर, यहाँ आपका d2y/dx2 - x dy/dx और ये आपका सीधा सोया कितना 0, वही आंसर आ रहा है, वो कितना है 0. क्लियर, डन, डना डन. चलो बहुत बढ़िया. नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है. द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस वन एट x इक्वल टू, टेंजेंट की इक्वेशन किस किस को याद है? y - y1 = m, मतलब dy/dx, और x - x1 यही होती है. y - y1 = m, मतलब dy/dx, x - x1. तो बच्चा सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट, तो dy/dx कितना, x2 का 2x + 6 ये आ गया. x की जगह क्या प्लेस करना है, 2 प्लेस करना है, तो x की जगह 2 भी डाल दो, तो 4 + 6 कितना आ गया 10. कोऑर्डिनेट भी चाहिए तो x की जगह 2 एक्सप्रेशन में डाल दो, पहला कोऑर्डिनेट तो 2, दूसरा निकालना पड़ेगा, तो y = x2, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 6 2 = 12 - 4, 16 - 4, 16, 12 + 4 = 16, 16 - 4 = 12, ये डायरेक्ट काट दो, तो y कितना 12. तो y - y1 = m, टेंजेंट ही पूछा है, m मतलब 10
और x माइनस का कितना x1, तो y माइनस का 12 इक्वल टू कितना हो गया 10x माइनस का 20, y माइनस का कितना 10x, चलो आंसर x में आ गया, 10x माइनस का y, उसको इधर भेजो, 10x माइनस का y माइनस 20 माइनस का 12 प्लस का 8 इक्वल टू 0, विच ऑप्शन, माइनस का 8 इक्वल टू 0, विच ऑप्शन, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट, डन। क्वेश्चन नंबर 26, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एओडी का क्वेश्चन है, फंक्शन एफएक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वही सेम, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एफ डैश ऑफ एक्स, 3 2 6x² 9 2 18x प्लस का बच्चा कितना 12, यस इंक्रीज डिक्रीज डिफरेंशिएट करते ही हैं, इसको जीरो के बराबर, 6 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर 6 3 18 6 2 12 इक्वल टू 0, फैक्टर तोड़ने सबको आते हैं, 2 और 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 2 और 1 एक्स कॉमन x प्लस का 2 प्लस का 1 कॉमन x प्लस का कितना 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस का 2 1 आ गया और x प्लस का 1 अनादर आ गया इक्वल टू 0, तो आप डालोगे माइनस का 2 और माइनस का 1 इन्फिनिटी माइनस का इन्फिनिटी, तो बच्चा क्या कर दें, सेम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिट से माइनस टू यूनियन माइनस वन कॉमा इन्फिनिट और डिक्रीजिंग ऑन माइनस टू कॉमा माइनस वन, क्या बी दिख रहा है, बिल्कुल प्रॉपर बी दिख रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर, डन। 27th लास्ट 3 क्वेश्चंस मोर, और कॉन्फिडेंस आया कि नहीं जल्दी बताओ फटाफट, हाँ मजा आया, वैल्यू ऑफ कॉट, कॉट 90 माइनस, भाई कॉट 90 माइनस थीटा कितना, ऑब्वियसली बात है कॉट थीटा है ना, तो आप पहले कर दोगे कॉट माइनस का 2 कॉट इनवर्स और ये कितना रूट 3, क्या ये करना सही है, हाँ सही है, क्यों गलत भी क्यों करेंगे, या फिर अगर नहीं आएगा तो दूसरा सोचेंगे, कॉट की वैल्यू रूट 3 कहाँ होती है बच्चों, जल्दी सोच के बताओ, नहीं अपन कुछ और ही सोच के करते हैं इसको ध्यान से, कॉट पाई बाय 2 माइनस, इससे अपने को थोड़ी सी इशू आएंगे, उन इश्यूज को अवॉइड करते हैं और नए तरीके से इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, देखो दोबारा से नया पैटर्न, कॉट ये आपका कितना है बेटा पाई बाय 2 माइनस का 2, कॉट की वैल्यू रूट 3 कहाँ होती है, पाई बाय 6 पर, वैसे भी कर सकते थे कोई इशू नहीं था, पर इससे आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा, इजीएस्ट वे, ये कितना पाई बाय 2 माइनस का कितना पाई बाय 3, कॉट पाई बाय 6, कॉट 30 डिग्री कितना होता है बच्चा रूट 3, तो रूट 3 इज द राइट आंसर, इज इट क्लियर, 27 पर आ गए, लाइक करते चले जाओ बच्चों, मोटिवेशन बढ़ना चाहिए मेरा भी ताकि मैं और क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला सकूं। 28th वन, तो 28th क्वेश्चन क्या है, 2 ये अच्छा मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, सोच लिया और कर दिया ये इसके साथ, तो क्या करें, 2 3 2 6 5 7 2 14 मल्टीप्लाई इट, 2 3 इससे 3 2 6 4 3 12 5 3 कितना 15 माइनस का 15 7 4 कितना 28, ये आपका किसके बराबर, माइनस का 4 6 माइनस का 9 और ये कितना x, यहाँ पर कितना माइनस का 4 यहाँ पर कितना माइनस का 9 यहाँ पर कितना 6 और यहाँ पर कितना 15 माइनस का कितना 28 दैट इज 13, तो ऑब्वियसली बात है सबको दिख गया होगा ये इसके बराबर x की वैल्यू कितनी आ गई 13, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट बराबर है, तो x इक्वल टू 13 इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट वन। 29th आपके पास है, ध्यान से देखो, लेट r बी द रिलेशन इन द सेट n, नेचुरल नंबर a माइनस बी इज ऑड, ऑड है, देन विच वन इज करेक्ट, तो क्या कहता है, ऑड आना चाहिए, 0, 1 करोगे तो 1 भी आपका ऑड है, 0, 1 बिलोंग्स टू आर, अरे 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 सारे ऑप्शन एक जैसे हो गए, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, देखो भैया यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर देना, माइनस 1, कितना 4 बिलोंग्स टू कितना आर, सॉरी ये एक जैसे ऑप्शन हो गए, 2, 3 आई थिंक सडनली कॉपी पेस्ट हो गया है, और ये कितना 3, 7 ठीक है, ये आपके पास है, अब आपको इसी के रेस्पेक्ट में बोला गया कि आप बताओ कि लेट आर आपका रिलेशन है इन द एन, गिवन आर आपके पास ये ए माइनस बी इज एन ऑड, ए माइनस बी ऑड, तो बच्चा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर होल नंबर तो नहीं, 0, 1 तो नहीं हो सकता, ये तो खत्म, माइनस 1 और 4 ये तो जुड़ करके 5, रियल नंबर 7, 7 माइनस का 3, 4 ये तो इवन हो जाएगा, ऑड नहीं आएगा, तो 2, 3 आपको, लेट्स सी 2, 3 अगर बिलोंग्स टू आर है, यानी आप इसके अंदर
टू माइनस का थ्री करोगे बच्चा तो आपके पास माइनस वन आएगा, उससे वन आएगा जो कि ऑड है, तो टू कॉमा थ्री आपका बिलोंग्स टू आर है ना। हो हो ए माइनस वन माइनस का फोर माइनस का फाइव, फाइव इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, हाँ वो भी बन सकता है, पर मोर करेक्ट आपको कौन सा दिखेगा जो स्मॉलर टू कॉमा कितना थ्री है ना। ऑप्शन में थोड़े से गड़बड़ हो गए, यहाँ पर भी आपका माइनस वन कॉमा फाइव होना चाहिए बच्चा, तभी ये क्वेश्चन सेट हो पाएगा, माइनस वन कॉमा फोर नहीं होगा। आई थिंक आई लॉजिकली करेक्ट, क्यों, क्योंकि अगर ये करोगे तो ए की वैल्यू माइनस का वन माइनस का फाइव तो ये माइनस का सिक्स आ जाएगा, और माइनस का सिक्स आपका इवन है यानी सिक्स आपका इवन आ जाएगा, तो आंसर ये माइनस वन कॉमा फाइव होगा और ये टू कॉमा थ्री है। ठीक है, ओ ठीक है, अगर ये आपका माइनस वन कॉमा फोर भी होता तो भी आंसर नहीं होता, क्यों, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव नेचुरल नंबर नहीं होता, इसके ऊपर अपने ध्यान नहीं दिया था इसलिए अपने ऑप्शन चेंज कर दिया, बाकी माइनस वन कॉमा फोर भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दे रखा था यहाँ पर, तो आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। डन, लेट्स सी द अनदर वन, द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट ऑफ द टुडेज क्लास, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास केस स्टडी की है, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना ताकि केस स्टडी का जैसे क्वेश्चन डालूं आप लोगों को लिंक मिल जाए और आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओ, फियर खत्म हो जाएगा केस स्टडी का। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन शोन एज शेडेड इन द ग्राफ बिलो, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, आर कौन कौन से होंगे, तो 0.1 3.1 4.0, क्या ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, बिल्कुल सोचते हो ऐसा, क्यों ये कहाँ गया, 0.0 कहाँ गया, वो भी तो है, तो 0.0 को भी ले लो, कई लोग जल्दबाजी में इसको टिक कर देते हैं, इसको टिक नहीं कर देना बेटा, मोर करेक्ट कौन सा है आपका, सी इज द करेक्ट आंसर, ऑब्वियसली बात है, जो ये आपका क्या कहलाता है, फिजिबल रीजन, और ये आपके फिजिबल पॉइंट्स कहलाते हैं ओ डी सी और डी, दीज आर ऑल कॉल्ड फिजिबल पॉइंट्स, और ये फिजिबल रीजन और बाउंड्री रीजन भी आप इसको कहते हो। ठीक है, चलो टिल देन, अगर मजा आया हो तो डेफिनेटली लाइक करना और बताना कि सर कैसा लगा, और वीडियोस अपन और आगे की तरफ शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा अगले 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। टिल देन बहुत जल्दी नए सेशंस के लिए मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।